साल 2023 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या 19 मई शुक्रवार के दिन पड़ रही है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में ज्येष्ठ मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा पाठ व कुछ खास उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। क्योंकि इस बार ज्येष्ठ अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए व धन की प्राप्ति के लिए ये दिन खास रहने वाला है। वही ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन गज केसरी व शोभन योग का भी खास संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन वट पूर्णिमा व शनि जयंती भी मनाई जाएगी। ऐसे में इस साल की अमावस्या तिथि काफी खास मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दिन करने वाले खास उपाय, तो आइए जानते हैं। उपाय शुरू करने से पहले बता दें, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 18 मई गुरुवार को रात 9:42 से आरंभ हो रही है और अगले दिन 19 मई शुक्रवार को रात 9:22 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से ज्येष्ठ अमावस्या 19 मई को मनाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं अमावस्या के खास उपाय। पहला उपाय है, अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से पैसों की तंगी से निजात मिल जाती है और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना लाभकारी हो सकता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने वाले लोटे में जल, कच्चा दूध, काले तिल, थोड़ा गंगा जल, फूल, चावल, चीनी आदि डालकर अर्पित करें। इसके साथ ही ओम प्रीतभय नमः मंत्र का जाप करें। माना जाता है ऐसा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने के साथ दान करना काफी लाभकारी माना जाता है। इस दिन अपनी योग्यता के अनुसार पैसे, अनाज, कपड़े आदि का दान करें। इसके अलावा तिल, दूध या फिर तिल से बनी मिठाइयों का दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को दुख दर्द के साथ हर तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है। अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो ज्येष्ठ अमावस्या से पहले चांदी के नाग नागिन बनवा लें। इसके बाद इस दिन स्नान करने के साथ चांदी के नाग नागिन की विधिवत पूजा करें। इसके बाद जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर शाम के समय काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि और केतु की अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। व्यापार में तरक्की के लिए ये उपाय लाभकारी माना गया है। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर जरूर कृपा करेंगी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।